केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स, मैं हूं नंदन झा। नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है और हम लोग पटना से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार नगर परिषद से नगर निगम बने क्षेत्र सहरसा में है। यहां पर प्रत्याशी के साथ साथ मतदाता भी उत्साहित हैं कि पहली बार नगर निगम बना और सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में, चुनावी यात्रा के क्रम में, सहरसा नगर निगम के वार्ड नंबर 12 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी स्मिता कुमारी चुनावी दंगल में हैं। उनके प्रतिनिधि सतीश कुमार यादव जी भी हमारे साथ हैं, प्रत्याशी भी साथ हैं। सबसे एक एक करके जानेंगे, उनके कार्यकर्ता भी हैं, कि इस वार्ड का वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए, इस वार्ड का वार्ड पार्षद कैसा होना इस वार्ड का वार्ड पार्षद सतीश यादव जैसे, अस्मिता कुमारी जैसे होना चाहिए, जो कि पूर्व में भी वार्ड कमिश्नर के रूप में थे। बहुत सारा ऐसा काम है जो उन्होंने किया था और अभी तक उनका ही काम किया हुआ है। इस वार्ड का वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए। सतीश यादव बहुत काम पहले से भी किया है, अभी भी करने वाला है, होने वाला है, अभी भी हो जाएगा, काम करेंगे। हाँ, करेंगे, काम करेंगे। वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए आपके वार्ड का? सतीश यादव काम करने वाला, तैयार है, शरीर को विकास करेगा वार्ड को बहुत अच्छा ढंग से। अच्छा ढंग से? हाँ, बहुत अच्छे ढंग से। कैसे कह सकते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं। सखनी होने वाला लवका अस्मिता कुमारी है, ठार हुआ है उस चुनाव में, उसका करिए। के जीतेगा यहाँ से? अब किसको वोट देंगे आप लोग? सतीश कुमार देंगे। सतीश कुमार के। सतीश कौन छाप है, जानते हैं? मोमबत्ती छाप। कई नंबर पर? चार, पांच नंबर। पांच नंबर पर। आप लोग किसको वोट दीजिएगा? सतीश यादव। कई नंबर पर है, जानते हैं? पांच नंबर पर। मोमबत्ती छाप। मोमबत्ती छाप। मोमबत्ती छाप है। यहाँ का वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए? अस्मिता देवी जैसा होना चाहिए। अस्मिता देवी जैसा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा वर्कर है, इससे काम कर रहा है। इससे पहले भी इनके मामा थी, उसका पूर्व का कार्य क्या हुआ है? पूर्व का कार्य काय नंबर पर? पांच नंबर पर, मोमबत्ती छाप है। कौन जीतेगा वार्ड 12 से? सतीश भैया। सतीश भैया तीन नंबर पर? पांच नंबर पर। पांच नंबर पर काय नंबर? पांच नंबर मोमबत्ती छाप। पांच नंबर मोमबत्ती। इस वार्ड का पार्षद कैसा होना? सतीश भैया जैसा होना चाहिए, समाज सेवी एवं शिक्षित महिला कर्मठ उम्मीदवार, जो 15-20 सालों से सामाजिक वर्कर में लगे हुए हैं और नया उम्मीदवार को भी उतारे हुए हैं और सामाजिक सोशल वर्क में 24 घंटा दिन रात उतरते हुए रहते हैं। ऐसा नेता चूज करके होना चाहिए, जैसे कि समाज का विकास हो सके और शिक्षित विद्यालय सबका निर्माण करे नगर, यही सब जैसा होना चाहिए। काय नंबर पर? काय नंबर है चुनाव? पांच नंबर। मोमबत्ती छाप। मोमबत्ती छाप सबको याद है, मोमबत्ती छाप पांच नंबर पर। प्रत्याशी भी हैं, पहले प्रत्याशी से बात करते हैं फिर उम्मीदवार। क्या लगता है, ये लोग जो कह रहा है पांच नंबर पर वोट देंगे, काम होगा? जी क्यों नहीं होगा, काम होगा। जी होगा। अगर आपको यहाँ की जनता साथ देता है या देती है, क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले वार्ड का विकास करेंगे। हाँ ठीक, जैसे में मतलब रोड बनाएंगे। हाँ ठीक, इंदिरा आवास देंगे। हाँ बीपीएल सबका करवाएंगे। हाँ और काम? यस सर, लाइट का व्यवस्था। लाइट का व्यवस्था जी। और बिंदा पेंशन देंगे। हाँ शौचालय भी देंगे। सारा काम होगा? जी होगा। लेकिन कहता है चुनाव जीतने के बाद घर दिलाने का पैसा लेते हैं, शौचालय दिलाने का नहीं, पैसा लेता मेरे है। तरफ से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में होगा। सब सुन रहा है ये जनता? हाँ जी, हम फ्री में कार्य करवाएंगे। फ्री में कार्य होगा जी। अच्छा, और क्या कहेंगे जनता से, कितना नंबर पर बटन दबाने? 5 नंबर पे बटन दबाने के लिए मोमबत्ती छाप है। 5 नंबर मोमबत्ती छाप पर बटन दबाने के लिए कह रहे हैं प्रत्याशी, क्योंकि इन ये स्वच्छ सुंदर शहर बनाने के लिए, स्वच्छ सुंदर वार्ड बनाने के लिए काम करेंगे, ना लेंगे ना ले। क्या लगता है, जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे? हम जनता के विश्वास पर खरे उतरे हुए हैं। हम 20 वर्षों से सामाजिक सेवा कार्य क्षेत्र में हैं, उसके बाद
2007 से 12 तक मेरी माँ वार्ड पार्षद के रूप में नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 2 में रही है और हमने 250 आवास का पारित करवाया है, जिसमें हमने समाजों के बीच कह रहे हैं एक भी रुपया लेने का काम नहीं किए हैं। 12 में हमने चुनाव, हमारी माँ हार गई, उसके बाद 12 से 17 तक वार्ड पार्षद जो बने वो रहे, उसके बाद फिर आरक्षण हो गए, उसमें भी आज तक वही रहे। इस बीच में कितना भ्रष्टाचारी, बिना 20,000 और 30,000 रुपये के बिना किसी का इंदिरा आवास निर्माण का कार्य नहीं हुआ, जो कि मेरा ही पूर्व में पारित किया हुआ था। जितना सड़क गली नली मेरा ही पारित किया हुआ था, उसके बाद नया चीज़ कोई भी पारित नहीं हुआ। मेरा ही एस्टीमेट पूर्व का 2,01,000 रुपया आवास योजना था, वही अभी तक चल रहा है। मेरे समय में 150 रुपया मजदूर का था, अभी 600 रुपया है, लेकिन ये मजदूर सीमेंट बालू ईटा बढ़ गया और आवास का पैसा उतना ही है 2,01,000 रुपया, जिसमें किसी का घर बन पाया, किसी का नहीं बन पाया। किसी को 50,000 मिला तो दूसरा किस्त नहीं मिला, किसी को तीसरा किस्त नहीं मिला। शौचालय हमारा जो है सो गंदी बस्ती स्लम एरिया, ये जो है जहाँ हम लोग खड़े हैं जनता के बीच, 7 पैकेज हमारा स्लम एरिया बनाया हुआ था, जिसमें सभी लोग को शौचालय बनाना था। शौचालय निर्माण में महिला कमेटी गठित करके उसको लूट घसोट करके 60,00,000 रुपया को समाप्त कर दिया गया और 75 को ईटा दे करके शौचालय बना दिया गया। उसके बाद हमने विरोध करने पर खाता में 12,000 रुपया का स्वीकृति हुआ, उसमें सबको 7,000 गया है, 5,000 अभी तक कितना घूमिए रहा है उसको भी नहीं मिला है। ये सारी काम की हमारी लक्ष्य है और फिर उसी तरह मैं वादा करता हूँ सारे जनता से, सारे भाइयों से बहनों से, उसी तरह काम करेंगे और संपूर्ण निःशुल्क काम करेंगे। एक भी पैसा लेने की वादा करते हैं नहीं करूँगे, जैसे निष्पक्ष थे वैसे निष्पक्ष रहेंगे। हमको विश्वास है हम हुज्म नहीं लगाना चाहते हैं, हुज्म में नहीं जाना चाहते हैं। सारे लोग पर हमारा विश्वास है, जो मोमबत्ती छाप 5 नंबर पर बटन दबेगा, कितना ही को आएगा कुछ करेगा, अबरी बार 5 नंबर मोमबत्ती छाप पर बटन दबाएगा और सतीश यादव के नेतृत्व में अब की बार अस्मिता जी चुनाव जीतेंगे। विकास करने का वादा जनता से कर रहे हैं, 5 नंबर पर मोमबत्ती छाप पर बटन दबाने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो कहा ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।